हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में किसी भी खराब डॉक्यूमेंट को कैसे ठीक किया जाता है। ये मेरे पास एक बहुत ही ओल्डेड इमेज है, इसको मुझे क्लियर करना है। तो आइए देखते हैं इमेज को कैसे क्लियर और साफ किया जाता है। सबसे पहले इमेज को हम इंसर्ट करा लेंगे। इमेज इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे एमएस वर्ड में पिक्चर में जाएंगे और वहाँ से इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद हम यहाँ फॉर्मेट टैब में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बैपरिंग में आएंगे, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे ताकि इसको हम बड़ा कर सकें कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने इसे बड़ा कर लिया, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये मैंने सेट कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे इसे हम ताकि ये सेट हो सके। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। अब इसे मुझे इसका जो कलर्स वगैरह है ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्राइटनेस का ऑप्शंस दिया है। ब्राइटनेस में आप यहाँ पे 10 पे आ जाइएगा या फिर 20 पे कर लेंगे। 10 पे आप कर लेंगे तो 10% पे कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कंट्रास्ट का ऑप्शन दिया है जिस पे आप 10 पे कर लीजिए या फिर 20 पे कीजिए। यहाँ पे आप 20 पे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं इस इमेज की क्वालिटी में बदलाव काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है इमेजेस की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिया है, आप क्रॉप के ऑप्शन में जाइए। इस इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि ये दाग धब्बे वाला है, ये एक्स्ट्रा पार्टेज मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में हम इस साइड से भी एक्स्ट्रा पार्टेज जो है निकाल दे रहे हैं, देखते हुए नीचे से भी हम एक्स्ट्रा पार्टेज कुछ निकाल देंगे, जैसे कि कुछ ये। उसके बाद में हम इंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस पेज में सेट हो जाएगा। अगर हम जूम करें इसको तो ये फट भी नहीं रहा, आप देख सकते हैं कि पहले के अकॉर्डिंग ये फट भी नहीं रहा। आप इजीली इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारा लिखा हुआ है सब कुछ इजीली वर्ड बाय वर्ड दिख भी रहा है। अगर हम इसको प्रिंट आउट निकालें तो बहुत ही इजीली प्रिंट आउट हमारा अभी प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, जैसे कि हम आपको प्रिंट आउट करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल पी करके, आप देख सकते हैं ये फट भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे से प्रिंट हो करके निकल के आ भी जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको क्लैरिटी जो है एकदम से बहुत अच्छे से कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पेज सेट हो गया, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।